यह ओबरा डैम का सुंदर नजारा है जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक पुल दिखाई दे रहा है। यह पुल जो है कनेक्ट करता है ओबरा से, जो इधर चकाड़ी का एरिया इधर को कनेक्ट करता है। और इस जगह पर लोग, वैसे तो ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक सरकारी उपक्रम है जहाँ पर पानी को यहाँ पर उठाया जाता है और ओबरा में जगह जगह पानी की इसके माध्यम से सप्लाई की जाती है। और यहाँ पर आप यह जो देख रहे हैं बीच में कुछ नीला नीला सा दिख रहा है, यह कुछ व्यवस्था ऐसी की गई थी कि पर्यटक यहाँ पर आएँ और कुछ पर्यटन और कुछ रोजगार इस तरीके का डेवलप किया जा सके। यहाँ पानी की गहराई काफ़ी है और मना किया जाता है कि आप पानी की तरफ ना जाएं, कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं। तो ये जो सामने पुल दिख रहा है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है और इसी ट्रेन के माध्यम से बहुत सा सामान जो है, जो कोयला वगैरह है, वो इधर आता है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे आए हुए हैं और वो सब बैठे हैं यहाँ पर, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यह पंप हाउस है और इसी पंप हाउस से पानी लिफ्ट किया जाता है। ओबरा के जगह जगह जो पानी की टंकियाँ हैं वहाँ भेजा जाता है, वहाँ पर भी पानी का शोधन होता है, उसके बाद पानी को प्रयोग में लाया जाता है। यह जगह है, इस जगह पर बहुत से लोग आते थे, बैठते थे। इसको निषेध किया गया है कि यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। आवाज़ थोड़ा सा तेज़ आ रही है, हो सकता है माइक पर आवाज़ नहीं आ रही होगी। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, लोग घूमने आते हैं और घूमने आने के साथ साथ, यह ऐसे तो कोई पर्यटन स्थल नहीं है लेकिन मन को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का एक अच्छा खासा स्टोर है, इसे ओबरा डैम बोलते हैं। और ओबरा डैम यह जो है जुड़ा हुआ है रिहंद डैम से जुड़ा हुआ है, और रिहंद डैम से जो पानी छोड़ा जाता है वह यहाँ आता है। यहाँ पर भी इसको सिंचाई और बिजली के पर्पज़ से इस पानी का प्रयोग किया जाता है। सामने एक पहाड़ आप देख रहे होंगे, यह चारों तरफ से यह सोनभद्र का पूरा एरिया, जो पहाड़ी एरिया, ऐसे एरिया में जहाँ पर कुछ ऐसी योजना बन सकी, तो यह पहाड़ आप देख रहे हैं, पहाड़ों के बीच में ही इस तरीके का यहाँ पर जो डैम होता है, डैम बनाया जाता है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है हम लोग घूम रहे हैं और इस समय जबकि मौसम बहुत यहाँ पर, आप उधर की तरफ जाएंगे, कॉलोनी की तरफ जाएंगे तो मौसम बहुत गर्म है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आए हैं तो मौसम काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मैं आपको डिस्टेंस बता दूँ कि जब आप अगर इधर आना चाहेंगे तो इधर आप देखिए कितना बढ़िया इधर पूरा वन क्षेत्र दिख रहा है। और वैसे तो यहाँ पट्टी लगी हुई है, लिखा हुआ है प्रवेश वर्जित है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब कंप्रोमाइज़ रहता है, लोग आ जाते हैं। यह देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया एक व्यू नज़र आ रहा है। वैसे तो गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पर गर्मी हम लोगों को फील नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको दूरी बता दूं कि यहाँ पर दूरी कोई इसका सीधा और बहुत क्लियर कट रास्ता नहीं है, क्योंकि यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है। लेकिन आप ओबरा में जब आप सेक्टर 10 आते हैं तो सेक्टर 10 से कुछ आगे आएंगे, हमारे ख्याल से 2 किलोमीटर होगा, तो ओबरा डैम जो छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर आप आते हैं और उस रेलवे स्टेशन से आप लगभग 2 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो आप आ जाते हैं ये ओबरा डैम। ओबरा डैम का एक सुंदर नज़ारा है, उस पार देहात है, कुछ गांव हैं, चकाड़ी वाड़ी हैं, कुछ इस तरीके गांव हैं। और यह भयंकर जल स्रोत दिखाई देता है, ये गजब का जल स्रोत है, जल का यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और यह बहुत ही खतरनाक जगह भी है, घूमने के साथ साथ जितनी आकर्षक है उतनी खतरनाक है। यहाँ पर कई बार इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। यह कुछ व्यवस्था दिख रही है, इस व्यवस्था में कुछ ऐसा बनाया गया था कि लोग उसमें बीच में जाते थे और लोग चलते थे। मैंने तो केवल सुना है, अभी देखा नहीं, पता नहीं यह इसमें फंक्शनिंग है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस जगह पर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर हमारे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे। तुम लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बिना प्लान बनाए निकले थे और चलते हुए हम लोग इधर आ गए, तो हमारे ये जो है कुछ, हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी जगह विजिट कराई है। आप वहाँ वो देख रहे हैं कि वो रेलवे के पास जो रास्ता गया हुआ है उस पर ऐसा नहीं है कि आप 2 व्हीलर आराम से ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ उस पार के लोगों को कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि कम से कम जरूरत पड़ने पर लोग जा सकें। तो यह बहुत सुरक्षित रास्ता भी नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है, कई खबरें आई हैं कि ऊपर से कोई साइकिल चलाने वाला जा रहा था और साइकिल लेके नीचे गिर गया, तो इसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिली, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है, इसमें तरह तरह के जीव जंतु भी हैं पानी में और यह बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्नान करना सख्त मना है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमने छोटी सी जगह आपको घुमाने की कोशिश की है और मैं यहाँ पर आपको कुछ अच्छे अच्छे व्यू और अपने मोबाइल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप दूर तक जूम करता हूँ, कुछ देखिए, एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है।
लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेन गुजर रही है, जस्ट गुजरने वाली, मैं उस ट्रेन को कवर करता हूँ अपने वीडियो में। वीडियो में आप देख रहे हैं एक ट्रेन की पुल पर एंट्री हो रही है। यह ट्रेन जो आ रही है यह पूरी तरीके से कवर्ड है। कवर्ड होने का कारण हुआ क्योंकि कुछ जगह बारिश भी शुरू हो जाती है बीच बीच में, और यह कोयला आ रहा है। यह कोयला काफ़ी दूर तक जाता है, यहाँ से आपको जो कोयला, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ कोयले की जहाँ खाने हैं वहाँ से कोयला आता है। आप ये देखिए ट्रेन आवाज़ दे रही है और ट्रेन पुल पे से गुजर रही है। ये ट्रेन पुल पे से गुजर रही है, मैं ट्रेन को कवर कर रहा हूँ। यहाँ से जो कोयला आता है, चूँकि खदान का एरिया है छत्तीसगढ़ और झारखंड में, तो वहाँ से कोयला पंजाब तक भेजा जाता है। पंजाब में दिल्ली और हरियाणा तमाम जगहों पर ये कोयले यहाँ से भेजे जाते हैं। मैं ट्रेन के गुजरने को अपने वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ट्रेन गुजर रही है यहाँ से, क्योंकि पूरी ट्रेन चूँकि बहुत लंबी होती है, मालगाड़ी वाली ट्रेन बहुत लंबी होती है जो कोयला लेके चलती है। आप देख रहे होंगे कि पूरा पुल जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, पूरे पुल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेके पुल के अंत तक पूरा आपको जो है ट्रेन के जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वैगन दिखाई दे रहे हैं जिसमें पूरा कोयला लगा हुआ है। तो यह बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ मज़ेदार जगहों और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो या हमें जानकारी देना चाहते हो या हमसे जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ऐसे डिस्कशन मुझसे करिएगा, मैं कुछ और जगहों को कवर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।